हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जो हमारा चैप्टर चल रहा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें जो आज हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे इनर्सिया की, उसके बाद बात करेंगे गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्सिया की, उसके बाद प्यारे बच्चों लॉ ऑफ इनर्सिया जो हमें न्यूटन साहब ने दिया उसकी बात करेंगे। इनर्सिया क्या है बच्चों? इनर्सिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो उस ऑब्जेक्ट को उसी स्टेट में रहने देना चाहती है जिसमें वो पहले से है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्सिया। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्सिया। अगर कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसी डायरेक्शन में ही मूव करना चाहती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्सिया। अगर आप सिंपल भाषा में इसे को समझें तो एक तरह से अगर कोई स्टूल हमारे घर पे रखा हुआ है और वो स्टूल रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है और तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए। ऐसा किस कारण होता है? ऐसा इनर्सिया की वजह से होता है। जो गुण है, जो प्रॉपर्टी है किसकी? इस स्टूल की, प्यारे बच्चों। तो आई होप इनर्सिया अच्छे समझ में आया होगा। प्रॉपर्टी लाइक ए रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस जो रेसिस्ट करेगा उसका जो परिवर्तन होगा, लाइक ए रेसिस्टेंस ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद एग्जांपल देखो, जर्क एक्सपीरियंस्ड व्हेन ब्रेक्स अप्लाइड सडनली। अगर हम कहीं बस में हैं और सफर कर रहे हैं और बस चल रही है, बस वाले ने अचानक से ब्रेक मार दिया तो क्या होगा? हम आगे की ओर गिरेंगे। व्हाई? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्सिया, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया प्यारे बच्चों। अब जो हम बात करेंगे गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्सिया की बात करेंगे प्यारे बच्चों। देखो, ए बॉडी मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस शुड मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो, ये तो डेफिनेशन है लेकिन इसका रियल वे मीनिंग क्या है? देखो, इन्होंने क्या किया था, फाल्सिफिकेशन किया था इससे पहले अरिस्टोटल लॉ का। अरिस्टोटल ने कहा था अगर कोई बॉडी है मोशन में है और हमने उसको छोड़ दिया तो रुक जाती है क्योंकि उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ इन्होंने करेक्ट करते हुए उसको बोला कि कोई भी बॉडी है मूव कर रही है, हमने कोई फोर्स लगाया उस पर और उसने मूव करना शुरू कर दिया तो वो तब तक मोशन करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई फ्रिक्शन काम ना करे, ठीक है ना। डेफिनेशन से बिल्कुल साफ साफ वही बात समझ में आती है। यूज किया हुआ है ना इन्होंने फ्रिक्शन लेस सरफेस, है ना। तो यहाँ प्यारे बच्चों जो पहला पॉइंट गैलीलियो साहब के रिजल्ट से निकल करके आता है, फाल्सिफिकेशन ऑफ एरिस्टोटल लॉ। इन्होंने एरिस्टोटल लॉ का क्या किया, फॉल्सिफाइड कर दिया उसको। सेकंड प्यारे बच्चों, दिस लॉ इज द बेसिस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यही नियम न्यूटन साहब ने इसका बेसिक बना करके अपना पहला नियम दे दिया। न्यूटन साहब ने हमारे पास तीन नियम दिए, हम तीनों पढ़ेंगे। आज हम जो चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्सिया, प्यारे बच्चों, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्सिया। तो नाउ न्यूटन्स गिव्स अस थ्री लॉ ऑफ मोशन, जिसमें से पहला कौन सा है? लॉ ऑफ मोशन। इसके ऊपर लिख लेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये कौन सा है प्यारे बच्चों? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। अब जो लॉ ऑफ इनर्सिया है, अभी मैंने क्या कहा, अगर कोई बॉडी मोशन में है मोशन में रहना चाहती है, इसका मतलब इनर्सिया भी तीन टाइप का होता है, इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो मोशन में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों इनर्सिया ऑफ मोशन। या हम इसको कहते हैं ए बॉडी, इफ ए बॉडी इन मोशन देन वांट्स टू बी इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन दैट बॉडी, दिस इज नोन एज इनर्सिया ऑफ मोशन। नाउ प्यारे बच्चों, वी आर गोइंग थ्रू टुवर्ड्स इनर्सिया ऑफ रेस्ट। व्हाट इज द इनर्सिया ऑफ रेस्ट? Inertia of rest is that if a body is in rest, then it want to be in rest until and unless another external force is not applied on there. ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये सभी बात या तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीट करके वो लिख लेना, या प्यारे बच्चों अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करना, वहाँ सारी बात बड़े अच्छे से लिखी हुई है। थर्ड कौन सा है? थर्ड है inertia of direction। यहाँ आपको क्या लिखना है, ठीक है ना। आई होप समझ में तो सभी बच्चों के आ गया होगा कि ये क्या है। ऊपर से इनर्सिया की बात चल रही है। डायरेक्शन के लिए, अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो वो उसी ही डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई रॉकेट है, वो हमने छोड़ा यहाँ से, आप जानते हो किस तरह से ऐसे घूम घूम के चला जाता है, जबकि हमने जिस डायरेक्शन में छोड़ा उसी में जाना चाहिए ना।
लेकिन नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ फॉल्सिफिकेशन होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। कारण क्या है? जैसे ही हमने रॉकेट छोड़ा तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगने लगता है, वो इधर की ओर घूम जाता है तो इधर से फ्रिक्शन फोर्स लगता है, फिर उधर की ओर घूम जाता है, और कभी कभी वो गोल गोल भी घूमता है। उसके पीछे किसका रीज़न है? फ्रिक्शन फोर्स का। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो सभी बच्चे आज यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद प्यारे बच्चों हम सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और थर्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।